आप भी कर लेंगे दूसरी शादी? भाई अगर मैं कभी दूसरी शादी करूंगा तो डंके की चोट पे करूंगा। क्या? वो राइल आंटी है ना, वो मेरी बच्ची को अपने घर लेके जाएंगी अपने साथ। मैं नहीं जाऊंगी। हम एक बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बेटा हो या बेटी। आप सच कह रहे हैं? ऐसी क्या बात है? आप मुझे बहुत परेशान लग रहे हैं, कुछ इस तरह देख के तो मुझे भी टेंशन हो रही है। तुम चलो तो सही बताता हूँ। कैसी हो? मैं ठीक। खाला की तबीयत बहुत खराब है। खाला की तबीयत? क्यों, क्या हुआ? पता नहीं। ये क्या कह रहे हैं? इसके सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। आपने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, कासिम। आसमान पे बैठा के जमीन पे फेंक दिया। सिर्फ इतनी सी वो कत्ती आपकी नजर में मेरी, इतनी सी बात के मैं आपको। ये इतनी सी बात नहीं है शाला, हमारी सिर्फ एक बेटी है, कल को वो बड़ी हो जाएगी, अपने घर की हो जाएगी। और तुम दोबारा मां नहीं बन सकती हो। मैं अपने वालदैन का इकलौता बेटा हूं और मेरा कोई बेटा ही नहीं, मेरी नस्ल का क्या होगा? खत्म हो जाएगी यहां पे। हटो पीछे। कहां जा रही हो तुम? जवाब दो मेरी बात का। क्या जवाब दूं मैं? आपने तो मुझे लाजवाब कर दिया, लाजवाब कर दिया आपने मुझे कासिम। आपकी नजर में सिर्फ इतनी सी औकात है औरत से। बात औकात या जात की नहीं है शैला, मुझे बेटा चाहिए। क्या तुम मुझे बेटा दे सकती हो? मिस्टर कासिम, बेटा मुझे भी चाहिए। मैं भी चाहती थी कि मेरा बेटा, लेकिन आपने मुझे बेटी दी, बेटा नहीं दिया आपने। क्या आप मर्दों ने कभी ये हक औरत को दिया है कि वो अपनी मर्जी से ये सोच सके कि उसके पास बेटी होगी या बेटा? जवाब दे मुझे आप। ये हक मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूं? तुम्हारा अपना नसीब है, तुम बेटे की मां बनती या बेटी की? नसीब सारी बात नसीब की है ना? जब सारी बात नसीब की है तो फिर इसके लिए औरत को मुर्दे इल्जाम क्यों ठहराया जाता है? किसी भी तरह गजनफर को ये नहीं पता चलना चाहिए कि मेरा नाजो के साथ और आपके साथ क्या रिश्ता है। कुछ नहीं, सब ठीक है। जिसका नाम है आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इस जुर्म का मुजरिम नसीब नहीं है, बेटा हो या बेटी, इस जुर्म का मुजरिम सिर्फ और सिर्फ मर्द की जात होती है। औरत जात नहीं, औरत जात। शैला, 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 मुझे तुमसे बात करनी है शैला।
घबरा जानवर का नहीं। शुक्र है बुखार उतर गया आपका। हाँ बुखार तो उतर गया लेकिन कमजोरी बेइंतहा हो गई। यकीन करो सारी रात दर्द से तड़पती रही लाई लो। जानती हूँ खाला, मैं आपके लिए जितनी दुआएं करती हूँ ना ये मैं ही जानती हूँ। बस थोड़ी कमजोरी हो गई है, ठीक हो जाएगी। हाँ कमजोरी नहीं है, बुढ़ापा है। बुढ़ापे का मकसद है हमारी उम्र में चल चला बस खत्म। लांडी चाय। अरे वाह ये चाय आपने बनाई? छोटी हूँ मगर सब काम कर लेती हूँ। खाला ने सब कुछ सिखा दिया है ना, पूरा घर भी संभाल लेती हूँ। वाह भाई जबरदस्त। अब बाहर जाके खेलो, जी खाला के साथ बहुत जरूरी बात है। राहिला कौन सी ऐसी जरूरी बात है जो नाजो के सामने नहीं हो सकती? खाला अब वो वक्त आ गया कि मैं नाजो को अपनी बेटी बनाकर यहाँ से ले जाऊँ और अपने घर ले जाऊँ। अच्छा तुमने अपने शौहर से बात कर बता दिया कि तुम्हारा और नाजो का क्या रिश्ता? नहीं बताया और ना बता सकती हूँ कि मेरा नाजो के साथ क्या रिश्ता है। तो फिर जब तुम उसे घर लेके जाओगी पूछेगा नहीं कौन है, कहाँ से आई, क्या रिश्ता है तुमसे? नहीं पूछेंगे, बल्कि वह यहाँ खुद आएंगे और नाजो को अपनी बेटी बनाकर यहाँ से ले जाएंगे। कैसे होगा भाई? आप तो जानती है ना गजनफर को मुझसे कोई औलाद नहीं हुई। बस मैंने उनसे कहा कि हम किसी बच्ची को अडॉप्ट करते हैं और माँ बाप बनकर उसे पालते हैं। बस फिर मैं नाजो को अपने साथ अपने घर ले जाऊंगी और उसका बहुत ख्याल करूंगी और कुछ अरसे बाद आपको भी ले जाऊंगी। मैं यही अपनी गुटिया में थी, मुझे छोड़। अब आपको मैं तनहा तो नहीं छोड़ सकती ना। ये तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी लेकिन ये सब होगा कैसे भाई? एक खातून है, मैं आपको उनका नंबर दूंगी, आप उन्हें कॉल करें और उन्हें ये कहें कि मैं अपनी नवासी को एक अच्छे खानदान में गोद देना चाहती हूँ। बस फिर वो हमें कॉल करेंगी, मैं और हसन फर यहाँ आएंगे, नाजो को अपनी बेटी बनाकर यहाँ से ले जाएंगे। बस मैं ये कहना चाह रही थी कि किसी भी तरह गजनफर को ये नहीं पता चलना चाहिए कि मेरा नाजो के साथ और आपके साथ क्या रिश्ता है। कुछ नहीं सब ठीक है। खुश रहो। शैला दरवाजा खोलो प्लीज, मुझे बात करनी है तुमसे। एक दफा दरवाजा तो खोलो। I'm sorry शैला, मैं जानता हूं मुझसे गलती हो गई है, दरवाजा तो खोलो एक दफा। शैला फोन उठा लो, बात तो करो मुझसे। शैला I'm sorry यार, बात तो करो मुझसे। बच्चा आया, कैसे हो? ठीक हूँ। पापा मम्मा कहाँ हैं? बेटा आपकी मम्मा तो अंदर सो रही हैं। मम्मा आपको क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा। काश कि मुझे कुछ हो जाता,
कुछ हो जाता तो अच्छा था। शैला मेरी बात तो सुनो। शैला ये रिपोर्ट, शैला असल में बात यह है कि हम एक अच्छा सा डेमोंस्ट्रेशन करना चाहते हैं जिसकी अखबारात में कवरेज की जाए और तस्वीर भी दी। वेरी गुड, तुम मेरी बात समझ गई। देखो ना, जब तक किसी चीज की कोई पब्लिसिटी ना हो तो बात बनती नहीं है। जी मैं एक दो चैनल वालों को जानती हूँ, अगर आप कहें तो मैं उनसे बात करूँ। इससे अच्छी और क्या बात होगी। ऐसा करते हैं, हम एक रैली निकालते हैं मजार कायद से लेके प्रेस क्लब तक, और कुछ लावारिस बच्चों की तस्वीर और उनके हकूक से मुताल्लिक कुछ बैनर्स भी बनवा लेते हैं। जी ठीक है। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं जीनत बात कर रही हूँ। जीनत? कौन जीनत? जी मैं एक बेवा औरत हूँ, आप मुझे नहीं जानते। मुझे एक बहुत ही जरूरी काम है आपसे, किसी ने मुझे आपका नंबर दिया। आपको क्या काम है मुझसे? वो तो मैं आपसे मिलके बात करूंगी, मेरी नवासी की जिंदगी का सवाल है। चलिए अच्छा ठीक है, आप हमें अपना एड्रेस नोट कराएं, मैं आके आपसे खुद मिल लूंगी। जी लिखें। जी ये एड्रेस समझाइएगा इनको, आप एड्रेस नोट करें इनका। हेलो जी, जी नाजाबाद नंबर 2, मकान नंबर B270 नाजाबाद। जी लिख लिया। जी मैं इंतजार करूंगी आपका। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी। ओके अल्लाह हाफिज। सलाम। अच्छा तुम जाके जरा फाकिया को कहो कि मेरे साथ चले। जी अच्छा। हेलो मम्मा, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मुझे, बैठ जाओ इधर चुपके। दरवाजा खोलो प्लीज, मुझे बात करनी है तुमसे। किधर जा रही हो? मम्मा पापा परेशान हो रहे। परेशान वो हो रहे या परेशान मुझे किया? मैं क्या बात है, अब क्यों आप मुझे मजीद परेशान करना चाहते हैं? थैंक गॉड तुमने फोन तो उठाया मेरा। ये तुम क्या कर रही हो? ये ड्रामा क्यों कर रही हो तुम? ड्रामा? ड्रामा मैं कर रही हूँ या ड्रामा आप कर रहे हैं मेरे साथ? शैला प्लीज, समरा के सामने। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कासिम? समरा के सामने ये सब कुछ तो आना ही है, आज नहीं तो कल, तो फिर आज ही आ जाने दे। छोड़ो ये बातें सारी, ये बताओ ये रिपोर्ट तुम्हारी ही है ना? कौन सी रिपोर्ट? यही प्रेगनेंसी की रिपोर्ट। हाँ मेरी। तो ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है ना, दरवाजा खोलो तुम प्लीज। आप तो दूसरी शादी कर रहे हैं ना, तो करे जाके फिर दूसरी शादी। लानत पे जो दूसरी शादी पे, मैं तो मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ। क्या आप मजाक कर रहे थे? आप सच कह रहे हैं ना? हाँ शैला मैं सच कह रहा हूँ। सच कह रहे थे तुम? आपसे तुम पे कैसे आ गई? मुझे तुम कह के बात कर रही हो? शादी कर रहे हो ना तुम? अगर शादी कर लोगे ना तो तुम से तू पे भी आ जाऊंगी और तुम्हारे इस घर को और तुम पे थूक के चली जाऊंगी। I'm sorry. I'm really sorry. कहा ना सॉरी। ये मजे की बात की आप।
गजेंद्र भाई, उस दिन आप गोट चले गए थे अचानक, सब खैरियत तो थी ना? हाँ सब खैरियत थी। तुम बताओ काम कैसे चल रहा? बस ठीक ही चल रहा है। मैं तो कहता हूँ तुम तीनों यहीं आ जाओ, इतना बड़ा घर है, इतने सारे कमरे फ्री हैं, हमारे साथ रहो यार। गजेंद्र भाई अगर घर दामाद ही बनना था तो इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी, मैं पहले दिन ही यहाँ रुक जाता। मुझे तुम्हारी खुददारी बहुत पसंद है भाई। वो ये बताओ तुमने बच्ची की बात कर ली? भाई बच्ची के सिलसिले में, मगर आपने तो मुझसे कहा था कि बेटा। अरे हाँ भाई, मुझे तो बेटा चाहिए था लेकिन आपकी भाभी ने हमें कन्विंस कर लिया बच्ची पे, अब क्या करें। सच भाभी, आपने भाई को कन्विंस कर लिया, बड़ी बात है। अच्छा शैला मुझे मिसेस नेम का नंबर दे देना, मैं खुद ही बात करूंगी। ठीक है, लेकिन भाभी मैंने तो मिसेस नईम से ऑलरेडी बात कर ली है। एक्चुअली मैंने उनको बता दिया कि भाई को बेटी नहीं बल्कि बेटा चाहिए। नहीं नहीं, अब हमें बेटी चाहिए, 9-10 बरस की। 9-10 बरस की? राहिरा 9-10 साल की बड़ी नहीं हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल समरा जैसे चाहिए, है ना? देखो हमारी समरा कितनी प्यारी है। मेरी समरा तो वाकई बहुत प्यारी है। शैला तुम कह दोगी ना मिसेस नेम से या मैं कह दूं? वैसे तो मैं उनसे कह दूंगी लेकिन अगर आप चाहें तो अभी बात कर लीजिए। हाँ ठीक है, मुझे नंबर दे देना, मैं बात करूंगी। एक खाना ठंडा हो जाएगा, कार्ड भेजूं? आ जाए, आ जाओ बेटा, आ जाए, आ जाए। आए भाई। कुछ तो हुआ है, किसका फोन था? गोट से फोन था, मेरे बंदे ने मुझे बताया कि मेरी जान को खतरा। जिसका नाम है औरा। मुझे आप बीमार लग रही हैं। हाँ बीमार तो हूँ। मुझे जरा नाजुक बाहर ले जाओ ताकि मैं थोड़ी देर आपसे बात करूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपके पास ही बैठूं। क्या हो गया बेटे? मैं कोई आपको कहीं और थोड़ी भेज रही हूँ, यहीं चली जाओ ना जरा से सहन में। बेटा तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, अभी हम 5 मिनट में तुम्हें बुलाते हैं। जॉब आके जरा ऐसे जाके चॉकलेट्स और वेफर्स दो। जी बेटा। हाँ बेटा, शाबाश शाबाश, बड़ी अच्छी बच्ची मेरी। क्या बीमारी है आपको? बुढ़ापा। नाजो मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी नवासी है। आप इस बच्ची को क्यों गोद देना चाह रही हैं? क्या करूं, हफ्ते में से 4 दिन तो मैं बीमार रहती हूँ। सोचती हूँ कभी रात को सोई और सुबह आंख ना खुली तो मेरी बच्ची को कौन संभाले, कौन मेरी नाजुक की परवरिश करे। बस इसी डर से ये बात कह रही हूँ आपसे। इस बात की क्या जमानत है कि जो इस बच्ची को गोद लेगा वो इसकी अच्छे से देखभाल भी कर पाएगा? ये तो आपकी जिम्मेदारी है। आप देखें कोई अच्छा सा खानदान जो मेरी बच्ची को अपनी बेटी बना के अपने पास रखे। आप इसके बदले में क्या चाहते हैं? जिसके बदले में सिर्फ सुकून चाहिए ताकि मैं सुकून से इस दुनिया से जा सकूं। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। वैसे हमारे यहाँ जो भी बेऔलाद लोग रابطہ करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 साल का बच्चा चाहते हैं, लेकिन आप परेशान ना हो, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब बहुत अच्छे करेगा, मुझे पूरी उम्मीद। आप ध्यान रखिए। यहाँ क्यों रुक रहे? यहाँ का जूस तो मैं बहुत पसंद है ना, मैंने सोचा जूस पी लें। यार 2 एप्पल जूस ले आना है, बगैर बर्फ के। बगैर बर्फ के? अच्छा, आइसक्रीम खाओगी?
ये आइसक्रीम खा जा। तुम नहीं खाओगे ये लो। ऐसे क्या देख रही? मैं देख रही हूँ इन बच्चों से तो हमारा कोई रिश्ता भी नहीं। अभी नहीं इतना खिलाते पिलाते हमारे अपने बच्चे होते तो। अब उदास मत हो जाना, सारा मूड खराब हो गया। चलिए बताओ वो उस बच्ची का क्या हुआ जिसका शैला बता रही थी? मैं फोन करता हूँ शैला को। नहीं 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 फोन मुझे पता है वो बच्ची किसी ने अडॉप्ट कर ली। इतनी जल्दी तो लोग हमारा इंतजार करेंगे कि? कमाल है। अरे हाँ मैं तो भूल गई, मुझे शैला ने एक नंबर दिया था, कल बात करूंगी, बल्कि खुद जाके देखाऊंगी, कुछ बच्चे यहाँ हैं उसके पास। यहाँ से शैला की तरफ चलते हैं और उसके लिए कोई गिफ्ट भी ले चलते हैं। हाँ सही। वालेकुम सलाम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक। इतनी खुशी हो रही है ना मुझे। हाँ। इतने दिनों के बाद आप लोग आए मेरे घर, बैठे ना। अरे ये साइकिल समरा के लिए लाए। कहाँ है समरा? समरा ट्यूशन के लिए गई है, बस आने वाली होगी भाभी। अच्छा मैं क्या लाऊं आपके लिए? कुछ नहीं, बैठी रहो। कैसे बैठी रहूं? मेरा तो दिल चाह रहा है कि यहाँ सब कुछ ला के सजा दूं। आखिर इतने दिनों के बाद मेरे भाई मेरे घर पर आए। रिलैक्स करो। ये बताओ वो कहाँ है? कासिम नजर नहीं आ रहा। कासिम ऑफिस गए हैं, बस वो भी आने वाले होंगे। अच्छा कॉफी कुछ तो मतलब? अरे नहीं भाई तुम्हें पता है ना भाई बहनों के घर जाके कुछ नहीं खाते। जी बिल्कुल आपकी आदत अच्छी तरह से पता है मुझे। अच्छा भाई मेरी मिसेस नईम से बात हुई थी, उनको मैंने सब कुछ बता दिया है, वो कह रही है बस एक दो दिन में कॉल करके गुड न्यूज सुनाएंगे। अच्छा हाँ उनके पास एक छोटी बच्ची थी मेरे ख्याल में। है तो था आपको, इतनी छोटी बच्ची का क्या करेंगे? ये बच्ची ठीक है राहिला, बड़ी बच्ची देखो बच्चा छोटा होगा तो जल्दी मानुस हो जाएगा, क्यों शर्म? भाभी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मतलब इतने बड़े बच्चे फिर एडजस्ट नहीं कर पाते ना आसानी से। हाँ लेकिन पता है इतना छोटा बच्चा ना मैं नहीं संभाल पाऊंगी। सम्राट देखो कितनी प्यारी है, बस मुझे सम्राट जैसी बच्ची चाहिए। और बताओ क्या चल रहा है? बस ठीक ठाक कुकिंग कर रही थी कुछ, ये लोग आने वाले हैं ना। सम्राट की दूर जाती है दूसरी? नहीं करीब ही भाई, सामने वाली बिल्डिंग है। देखो आपके मामू जो है सब कुछ आपके लिए लेके आते, हमारे लिए कुछ भी नहीं लेके आते। पापा मैं खेल लूं साइकिल से? हाँ बैठ। अच्छा बैठ जाओ। शाबाश। चाय बनाओ आपके लिए? नहीं यार। क्या बात है, कोई टेंशन है क्या? थोड़ी सी टेंशन है। अगर हुआ क्या है? दो दिन से कुछ लोग मेरा था। ताकुब? मैं समझी नहीं। ताकुब मतलब पीछा कर रहे हो। एक गाड़ी है जो मेरा पीछा करती है जब मैं ऑफिस से घर आता हूँ या घर से जब ऑफिस आता हूँ, उसके बाद गायब हो जाती है। मगर क्यों? कोई आपका पीछा क्यों करेगा? कौन लोग हैं? कोई पता नहीं। कौन हो सकता?
अच्छा है। थैंक यू। क्या देख रहे? नहीं देखते, किसी और को देख लेंगे। हेलो, कैसे पता? ठीक है, मैं देख लूंगा। नहीं नहीं तुम घबराओ नहीं। ओके। क्या हुआ है? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है, किसका फोन था? गोट से फोन था। मेरे बंदे ने मुझे बताया कि मेरी जान को खतरा। परेशान कोई परेशानी वाली बात नहीं। शर्म होने की बात कैसे नहीं है? किनन कोई सीरियस बात है? आपका चेहरा बताओ। अरे तुम औरतें भी छोटी छोटी बातों पर सहम जाओ। मैं अपने लिए परेशान नहीं हूं, मैं तो उनके लिए परेशान हूं जिनको मुझसे खतरा है। मैं तो बच जाऊंगा लेकिन वो कैसे बचेंगे मेरे हाथों से? परेशान मत हो, सब संभाल लूंगा। तो ठीक है, जाओ अपने भाई को जाकर बता दो कि मैं दूसरी शादी करूंगा। मैं देखता हूं कि तुम्हारा भाई क्या करता है। जिसका नाम है औरत। समरस हो गई? हाँ। तो मूड क्यों खराब है तुम्हारा? ठीक हूँ। अगर ठीक हो तो फिर मिर्चें क्यों चबा रही हो? सीधी तरह बात करो। सीधी तरह बात करूं मैं? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा आप दूसरी शादी के बारे में सोच भी कैसे सकते थे। तो तुम अभी तक दूसरी शादी को लेकर बैठी हुई हो? मर्द हूं मैं दूसरी शादी करूं, तीसरी करूं, चौथी करूं, हक है मेरा। अगर मैंने दूसरी शादी की तो नहीं ना? अच्छा, ये हक है आपका? दूसरी शादी करना आपका हक है तो ठीक है, जाइए, जाके अपना हक इस्तेमाल कीजिए। आप जाए करें दूसरी शादी, लेकिन मैं भी देखती हूं कि आप दूसरी शादी कैसे करते हैं। अच्छा, अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो क्या करोगी तुम? ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या करूंगी मैं। देखो शाला, मैंने कभी तुमसे कोई बात नहीं छुपाई, इसीलिए मैंने तुमसे ये बात भी शेयर की। खामोशी से दूसरी शादी कर लेता तो क्या? बहुत अच्छा सवाल है, तो मैं क्या कर लेती? बोल रहे एक बात कि मैंने ये बात अब तक अपने भाई को नहीं बताई है, छुपाई है उनसे। तो तुम मुझे अपने भाई की धमकी दे रही हो? हाँ दे रही हूँ, अपने भाई की धमकी दे रही हूँ आपको। तो ठीक है, जाओ अपने भाई को जाकर बता दो कि मैं दूसरी शादी करूंगा। मैं देखता हूं कि तुम्हारा भाई क्या करता है। क्या करेगा वो? कत्ल कर देगा मुझे? अगवा कर लेगा? देख लूंगा मैं क्या करता है वो। ये तो वही बताएंगे कि वो क्या सलूक करते हैं आपके साथ।
कि कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि जो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं वो भी तुम्हारे भाई के ही आदमी है। बस बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। हर बात की एक लिमिट होती है और आपने वो लिमिट क्रॉस कर ली है। अब नहीं रुकूंगी मैं, अब इस घर में नहीं रुकूंगी मैं जा रही हूं आपको और आपके इस घर को छोड़ के जा रही हूं। और अपने भाई को जाके अब एक बात बताऊंगी मैं, और आपसे अब वो सवाल करेंगे मैं नहीं, वो पूछेंगे आपसे। जाओ तुम, देख लूंगा तुम्हें। एक काम करो, उसे मारकर किसी कुएं में फेंक दो। मैं सुबह फजर तक आ जाऊंगा, जब तक चौकन्ने रहना, समझे? हाँ, जो कहा है वो करो बस। मिस्टर गजनफर और मिसेस गजनफर, आज से नाजीन आपकी बेटी हुई और आप इसके वालदैन।